कोष के सदस्य श्रीमती राजवती और पीसी फर्नीचर के मालिक यशपाल सर जी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मित्रों और भाई बहनों की कसबवासियों की उपस्थिति में होलिका दहन का मनाया जाता है। होलिका दहन का पूर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन होलिका नामक राक्षसी की मृत्यु हुई थी। ब्रह्म कथा में अनुसार सत्युपाल में हिरण्यकश्यप नामक एक बहुत ही अभिमानी राजा था और अपनी शक्ति में चूर होकर वह स्वयं को भगवान समझने लगा। वह चाहता था कि हर कोई भगवान की जगह उसकी पूजा करे। स्वयं उसके पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और भगवान को ईश्वर बताया। इस बात से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई सारी सजा दी, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार प्रहलाद रक्षा की और इस तरह से अपनी सारी योजना विफल होते हुए देख हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को अग्नि में जलाकर मारने की योजना बनाई, जिसमें होलिका प्रहलाद को लेकर सीता में बैठी। परंतु क्योंकि होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, क्योंकि वरदान स्वरूप उसे ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग में न जलती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप को लगा कि होलिका अग्नि में सुरक्षित बच जाएगी और प्रहलाद जलकर जल जाएगा। लेकिन जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि सामग्री में बैठी, वह चादर वायु के वेग से उड़कर प्रहलाद पर जा उड़ी। होलिका शरीर पर चादर न होने की वजह से वह वहीं जलकर भस्म हो गई। उसके प्रासित भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि ना वह दिन में मरे, ना रात में मरे, ना जमीन पर मरे, ना आकाश में मरे, ना ही देवों के हाथ, ना मनुष्य के हाथ, ना जानवर या दानव के हाथ मरेंगे। जब भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं हर जगह रहता हूँ, मैं तू जैसे राक्षस के महल में भी रहता हूँ, मैं स्वयं तेरे अंदर भी हूँ, मैं अपवित्र को पवित्र करता हूँ, लेकिन अपवित्र मुझे अपवित्र नहीं करता है। और ले देख अपने काल का नहीं, यह दिन है नहीं रात है, नहीं मैं नर हूँ न और नहीं पशु, नहीं तेरे मृत्यु जी जमीन पर होगी, नहीं आकाश में। इतना कहकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मार डाला। तभी से इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन का पूर्व मनाया जाता है।